आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। लगभग आज दिनांक 22 जनवरी को 11 बजे मुझे सूचना मिली कि कई ट्रालियां स्टेडियम के पीछे अवैध खनन कर रही हैं। तो मैंने उस सूचना के आधार पर मैं स्वयं अपने सभी लोगों के साथ वहां पहुंचा तो वहां 6 गाड़ियां बालू का खनन करते हुए मिली। और जब मैंने उस सीन का नजारा देखा कि वहां कितने हजारों ट्रालियां अवैध खनन की वजह से कई किलोमीटर तक अवैध खनन हुआ है, जो 10 से लेकर के 20 फीट तक खोद दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 2 फीट केवल मिट्टी है, बाकी सब नीचे बालू। और 4000 रुपए पर ये लोग अपनी ट्राली ले जाकर के मार्केट में बेचते हैं। और इसमें पूरा जिला प्रशासन मिला हुआ है और खनन इंस्पेक्टर की मिली भगत से इसके में अवैध रूप से खनन हो रहा है। इसमें तहसील के अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं जो अवैध रूप से ये खनन कराते हैं और डेली ये जा करके उससे पैसा वसूलते हैं। और इस तरीके से हमारे जनपद श्रावस्ती में भगवा नाके से, भैसाही से, चैलाही से और भचकाही से और सचौली, ये सब पॉइंट है जहां पर अवैध खनन होते हैं। बरगदवा के सिरसिया विकास खंड से और हमारे मुजहना से, भुजंगा से और खैरी कला और स्टेडियम के पीछे तो कई किलोमीटर तक इन्होंने खोद दिया है। मैं समझता हूं कि जो हमीरपुर का जो कांड इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे एक IAS बी चंदकला जी जो इसमें CBI की जांच में फंसी हुई है, अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले लें तो ये हमीरपुर से कहीं ज्यादा बड़ा खनन घोटाला यहाँ हो रहा है। लोग यहाँ करोड़पति अरबपति हुए जा रहे हैं और इस पर किसी की निगाह नहीं जा रही है। ऐसे स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे जिला प्रशासन और सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फरवरी में जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो इसको मैं विधानसभा में उठाने का भी प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पूरे सबूत के साथ में और पूरे हमको वीडियो क्लिप और इसके पूरे फोटोग्राफ हमको उपस्थित कराओ, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं आपके मिस्टर पांडे जी और गोयल साहब, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि माननीय विधायक जी कार्रवाई होगी। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है उनको अगर बालू की आवश्यकता होती है तो ये खनन इंस्पेक्टर और यहाँ के लोग उसको पकड़ते हैं और जो पूरा धंधा और काला धंधे में लिप्त है उनसे मिली भगत करते हैं। उनकी ट्राली कभी नहीं पकड़ी जाती है। 6 ट्राली मैंने मौके से पकड़ा और एक भी ट्राली इन्होंने सीज नहीं किया, क्योंकि उनसे हर हफ्ते उनसे उगाही करते हैं। ऐसे स्थिति में मैं केवल यही कहना चाहता हूं और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, खास तौर से जो DM अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके SDM जो IAS अफसर हैं, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करें और हजारों ट्रालियां जो अवैध खनन हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा मुझे मजबूर होकर के विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी महीने में मिलकर के पूरी स्थिति से मैं उनको अवगत करा दूंगा। वो जैसा जरूरत था भाई साहब घर पे वही ले जा रहे हैं। मिट्टी लदा हुआ था गाड़ी, 1000-2000 की मिट्टी लदा हुआ था गाड़ी, 1000-2000 नहीं खनन किए हैं। दिखाई तो दे रहा है आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, वहाँ से बालू खनन करते पकड़ी गई है। नहीं, हमारी गाड़ी मिट्टी में पकड़ी गई भाई साहब, विधायक जी वहाँ पे थे, मिट्टी थे। आप फिर से उसको देखिए, ट्राली डेली जो निकल रही सैकड़ों ट्राली, तो इसमें आपका क्या रोल है? इसमें 20-20 फुट खोदने का है? ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से मैं खुदाई कर रहा हूँ और खनन इंस्पेक्टर इसमें मिले हुए हैं, क्या बात नहीं, ऐसा बात नहीं। 20-20 फुट खुदाई कैसे करा दी आपने? 10,000 ट्राली यहाँ बालू मिट्टी के नाम पर, केवल 2 फीट मिट्टी है, बाकी सब बालू है। हाँ, तो वो अभी जो नीचे बालू आ रहा है उसको कार्रवाई करेंगे।
महीने से आप ओडीएम साहब कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तीन गाड़ी चली गई, एक वो भी गाड़ी चली गई, एक गाड़ी ये खड़ी, एक गाड़ी वो खड़ी है, आप गाड़ियों के ऊपर क्यों कार्रवाई करेंगे? आप कलेक्टेड में थे, आपको 25 मिनट लग गए, आपको आने में अब तक तीन ट्रालियां बाहर गई, विधायक वहाँ पकड़ेंगे गाड़ी, आप बताइए विधायक ये काम है पकड़ने का ट्राली की आपका? ये बालू है कि मिट्टी है बताइए आप? नहीं, ये बालू है कि मिट्टी है? खनन इंस्पेक्टर साहब, ये बालू है कि मिट्टी? बालू है ना, बालू है ना। चलिए वहाँ देखिए, वहाँ चलिए आप देखिए। आप ये जो आकाश से बिजली थी भगदड़, जो हमारे सामने जब भगदड़ भर उठा तो हम लोग भागे, पर हमें लोग कहीं पहले नहीं आई हैं। ये चोर तो सीना पर खाली है और कोई बात नहीं है।